बार एक बादशाह ने सपने में एक ऐसा पेड़ देखा जिसके सारे पत्ते झड़ चुके थे, सिर्फ एक ही पत्ती बची थी। बादशाह ने सुबह उठते ही राज ज्योतिष को बुलाकर अपने सपने का अर्थ पूछा तो ज्योतिषी बोला कि महाराज, इस सपने का अर्थ यह है कि आपके सामने ही आपके परिवार के सभी सदस्य मर जाएंगे और सिर्फ आप जीवित बचेंगे। यह सुनते ही राजा क्रोधित हो गया और ज्योतिषी के लिए फांसी की सजा सुना दी। फिर बादशाह ने दूसरे ज्योतिषी से अपने सपने का अर्थ पूछा तो उसने जवाब दिया, महाराज, इस सपने का अर्थ यह है कि आपके परिवार में सबसे ज्यादा उम्र आपको मिली है और आप अपने परिवार में सबसे ज्यादा जीवित रहेंगे। यह सुन बादशाह खुश हुए और उसे इनाम देना चाहा तो ज्योतिषी बोला, महाराज, आप इनाम के बदले राज ज्योतिषी की सजा माफ कर दीजिए क्योंकि वह निर्दोष है। हम दोनों ने ही आपके सामने एक ही अर्थ बताया, बस शब्दों का हेर फेर है। इस कहानी से हमने यह सीखा कि सत्य को कहने का तरीका सत्य को और भी महत्वपूर्ण बना देता है तथा जिसका जैसा स्वरूप है उसकी समझ वह वैसी ही वाणी सत्य धर्म है।